हेलो बच्चों, कैसे हो? इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने वर्ड दैट मैटर्स किए। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर से एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज आज मैं उसकी लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ। और आज हम समझने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करवा देता हूँ, इन्वर्जन एंड रिटेंशन का। लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ाया था, आज पूरा नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको जानना है डिटेल में तो लास्ट लेक्चर की लिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, उसको आप फॉलो करिए। इन्वर्जन का मतलब क्या है? तो डेक्स्ट्रो अगर कंपाउंड है, रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो लेवो में कन्वर्ट हो रहा है। लेवो अगर कंपाउंड लिया है तो उसका कन्वर्जन किस में होगा? डेक्स्ट्रो में। सो एग्जाम्पल भी हमने लिया था, CH3H C2H5 एंड Cl OH माइनस हमने लिया था। OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, डिस्प्लेस कर देगा Cl को, तो Cl को कहेंगे हम गुड लिविंग ग्रुप। Cl माइनस विल बी गुड लिविंग ग्रुप, एंड कार्बन जो पूरी कंफिगरेशन है वो चेंज हो जाएगी, देन OH यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। मतलब ये है डेक्स्ट्रो तो हो जा रहा है लेवो, ये है अगर लेवो तो हो जा रहा है डेक्स्ट्रो, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन। रिटेंशन वॉज द सेकेंड फिनोमिना। रिटेंशन के अंदर हमने क्या सीखा था? रिटेंशन के अंदर डेक्स्ट्रो से स्टार्ट कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो ही मिलेगा, लेवो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेवो ही मिलेगा। ओके, सो इसके अंदर भी एग्जांपल लिया था हमने, बड़े बड़े से ग्रुप लिए थे C2H5। नॉट द सेम एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग, बट यू कैन सी के इनका हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, क्राउडिंग होता है, जगह ज्यादा रोकते हैं ये। तो OH माइनस इनको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन जहां पे Cl है वहीं पे OH आ जाएगा, COH, एंड बाकी की जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाई डेक्स्ट्रो अगर लिया है तो डेक्स्ट्रो ही होगा, Cl बीइंग द गुड लिविंग ग्रुप। एंड डेक्स्ट्रो अगर लिया है तो आपका आंसर डेक्स्ट्रो आएगा, लेवो अगर कंसिडर किया है तो आपका आंसर लेवो आएगा। चलिए पढ़ते हैं अब स्पेसिफिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In the nucleophilic substitution reaction, we are dealing with the main two substitution reactions. That is, the first is SN2 and second is SN1. But before going on the substitution, we are just considering that what is the nucleophile. So nucleophile ki definition aap log already 11th ke andar kar chuke hain. Basic concepts of chemistry ke andar ye aa gaya hai. The substance or any reagent which is having negative charge or extra pair of electron. So jo नेगेटिव चार्ज बेयर करता है या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक समझना है, किस तरह से अटैक करता है देखते हैं। सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द SN2। एक्चुअली इस तरह से लिखा जाता है SN2, सिंपली इस तरह से लिखता है तो भी चलेगा, फाइन। सो इट इज कॉल्ड, यहां से स्टार्ट करते हैं, टू बाय मॉलिक्यूलर SN, N stands for nucleophilic, S stands for substitution. So इस तरह से पूरा रिएक्शन लिखा जाता है। इट इज बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों कहा जाता है हम बाद में देखते हैं, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है ये पहले देखेंगे। सो इन द फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि पहले हम कंसिडर करेंगे कार्बन, और उसके साथ ज्वाइन है कोई एक Cl, OH माइनस बिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन, जिसके अंदर कंफिगरेशन इस तरह से है CH3 C2H5। एक बार इसे ET भी लिखते हैं, स्मॉल ई और उसके बाद में टी, इसका मतलब है इथाइल ग्रुप। ओके, सो ऐसा है कि जो Cl है उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स खींचता रहता है अपने पास, जिसकी वजह से Cl के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है, राइट। और OH माइनस जो है, जो जिसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यू कैन सी दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी को डोनेट कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। मैंने अभी अभी आपको समझाया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा कि
इसके पास से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा रह रहे हैं, इसलिए दिट विल बेयर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द रिएक्शन, ये जो सी एल है अगर निकल जाए और ओ एच यहां पर ज्वाइन हो जाए. अब ओ एच क्यों ज्वाइन होना चाहेगा? बिकॉज सी ओ एच सी सी एल बॉन्ड जो है वो सी ओ एच का ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है. सो पुराने बॉन्ड्स अगर वीक होता है तो टूट जाएंगे, नए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बन जाएंगे. अब कैसा होगा कि ओ एच माइनस सामने से आएगा, यहाँ पे सामने से अटैक करेगा तो अटैक नहीं कर पाएगा. रीजन है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पैड्स. सो इलेक्ट्रॉन पैड्स आने नहीं देंगे, ठीक है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन की पैर है वो OH के नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देंगे, इसलिए OH माइनस सामने से कैन नॉट अटैक, राइट. सो अब क्या हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है कि कार्बन ने तो बॉन्ड बनाना ही है, कार्बन को खुद ने बॉन्ड बनाना है, भाई OH माइनस के साथ उसको बॉन्ड बनाना है, वो बात तय है. सो अब क्या होगा कि OH माइनस को वो बैक साइड से अटैक करवाएगा ऐसे, ठीक है. तो मानो कि हम स्टार्टिंग करते हैं, इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, या फिर रिएजेंट कहेंगे सबस्ट्रेट, या फिर हम इसे रिएजेंट भी कहेंगे, और दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम एनयू माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं. अब ये जो ओ एच माइनस है जिसने बैक साइड से अटैक किया, स्टार्टिंग प्रोडक्ट अगर हम कंसिडर करें, मानो कि ये डेक्स्ट्रो से मैंने स्टार्ट किया है, याद रखिये मैंने प्रोडक्ट जो ली है वो डेक्स्ट्रो है. कैसे पता चला? तो वो पोलारिमीटर से पता चल जाएगा, ठीक है. तो ये डेक्स्ट्रो से मैंने स्टार्ट किया, OH माइनस बैक साइड से कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है. अब क्या होगा? सो अब रिएक्शन आगे बढ़ेगा. सो रिएक्शन जैसे ही आगे बढ़ रहा है, यहां पे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एक अनस्टेबल स्टेट जैसा फॉर्म हो रहा है, कि जिसके अंदर कार्बन बीच में है, हाइड्रोजन यहां पे है, CH3 ऐसे हो जाएगा एंड C2H5 ग्रुप नीचे आ जाएगा. या फिर आप इसे भी मान सकते हैं कि C2H5 एंड CH3 साथ में रहेंगे, H जो है वो ऊपर की साइड चला जाएगा, तो भी सही है इस तरह से. तो ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये जो पोजीशन सेट हो रही है, उसके अंदर अगर हम प्लेन कंसिडर करते हैं, देन इट इज रिमेनिंग इन द सेम प्लेन. इतनी जो स्पीशीज है, इतने कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, C2H5, दे ऑल रिमेन इन द सेम प्लेन. अब क्या हो रहा है? अब ऐसे हो रहा है कि OH माइनस ने जो बैक साइड से अटैक कर दिया, जैसे ही OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया, इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है. बिकॉज ऑक्सीजन कार्बन के सामने मुंह रखेगा, इसलिए HO लिखना पड़ेगा. एंड ये जो CL है वो धीरे 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 बॉन्ड अपना वीक कर रहा है. सो हियर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड वीकनिंग दोनों साथ में हो रहे हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, विल कॉल इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट. लेकिन ये मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकेंड के लिए फॉलो हो रहा है, ये प्रोसीजर जो हो रही है वो मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकेंड. रीजन बिकॉज यू कैन से कि कार्बन की वैलेंस, अगर देखे तो कार्बन की वैलेंस देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, सो 5 वैलेंसी. कार्बन कभी मोर देन 4 वैलेंसी नहीं बनाएगा. सो दिस पॉइंट इफ वी कंसीडर, तो ऐसे केस के अंदर ये ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम कहेंगे. बट फॉर द मिलियन पार्ट ऑफ सेकेंड, अगर ये फिनोमेना साइमल्टेनियसली हो रही है, यहां से CCl टूट जा रहा है, यहां से COH बॉन्ड बनता जा रहा है, देन इट इज राइट. ओके, एंड एट द एंड यू विल गेट कि कार्बन और H, उसके बाद CH3 ग्रुप, उसके बाद C2H5 ग्रुप एंड OH वाला पार्ट ज्वाइन हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद लेके चला जाएगा. सो Cl को हम क्या कहेंगे? गुड लिविंग ग्रुप कहेंगे, इट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप. एंड यू कैन सी कि ये जो फिनोमेना थी, ये जो अरेंजमेंट थी, ये डेक्स्ट्रो था, तो इससे ये पूरी उल्टी फिनोमेना हो गई. मतलब कि H इस साइड हो गया, CH3 अरेंजमेंट बदल दी, C2H5 ने भी अरेंजमेंट बदल दी, तो ये पूरा कंपाउंड जो है वो फ्लिप हो गया. तो ऐसे कंपाउंड अगर फ्लिप हो जाते हैं तो ये डेक्स्ट्रो से हो जाते हैं लेवो. सो दिस इज जस्ट नथिंग बट इट इज इन्वर्जन. तो SN2 के अंदर आप इन्वर्जन फॉलो करेंगे, मतलब कि डेक्स्ट्रो है
तो आपका आंसर हो जाएगा लेवो। अगर आपका आंसर आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेवो है तो आपका आंसर हो जाएगा डेक्स्ट्रो। सो डेक्स्ट्रो से लेवो, लेवो से डेक्स्ट्रो, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और प्रोडक्ट को हम कहेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। सो हाइब्रिडाइजेशन यू कैन सी कि चार लाइंस होती है, फोर लाइंस, 1, 2, 3, 4। मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट दे रखा है, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर फोर लाइंस होती है तो एक एस ऑर्बिटल होती है, 3p, मतलब कि 1 + 3, 4 लाइंस। अगर 3 लाइंस होती है देन इट इज कॉल्ड sp2, अगर 2 लाइंस होती है देन इट इज sp। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। तो यू कैन सी कार्बन के बाजू में कितनी लाइंस है। तो कार्बन के बाजू में जो लाइंस है, मैं यहाँ पे सीधी लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। सो 4 लाइन है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिखेंगे, sp3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मानना है आपको, तो यहाँ पे ये दोनों कंसिडर नहीं करने हैं, ओके, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड वीक दोनों साथ में हो रहा है। देन वी विल कंसिडर ओनली 1, 2 and 3 पार्ट ओनली। सो 3 लाइन्स, इट मीन्स दैट हाइब्रिडाइजेशन इट इज sp2। एंड हियर अगेन 4 लाइन्स आर मेंटेन, देन 1, 2, 3, 4 हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3। सो चेंज हो रहा है यहाँ पे sp3 से ts, ts का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। सो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर sp2 और उसके बाद sp3 फॉलो हो रहा है। एंड आई जस्ट रिकॉल यू दैट फर्स्ट स्टेप इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, और ये स्टेप 1 के अंदर खत्म होने वाली फिनोमेना है। Then first step, it means that जो step दिया है उसे हम कहेंगे RDS। RDS का मतलब क्या है? So chemical kinetics के अंदर already कर चुके हैं। RDS का मतलब rate determining step, and that is this slow step। So I just tell you that first step के अंदर ये, मतलब कि एक ही step के अंदर ये खत्म हो जाती है, मतलब ये पूरा एक ही step मानना है आपको, और ये rate determining step है और कुछ नहीं। So rate determining step मैं यहां पे लिखता हूं for the SN2 rate of reaction। So I will write here the rate of reaction is directly proportional to substrate and nucleophile, it will depend on both। ये क्या कहना चाहता है, तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रख लीजिए, हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी काउंट करेंगे लेकिन वो SN1 कंप्लीट हो जाने के बाद। सो अब सबस्ट्रेट रेस टू 1, न्यूक्लियोफाइल रेस टू 1, इनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। अब देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, दैट इज के रेट कॉन्स्टेंट, एंड ये जो सबस्ट्रेट हमने लिया दैट इज सी एच, उसके बाजू में है CH3, उसके बाजू में है C2H5 एंड Cl, इस तरह से लिखेंगे। एंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वो तो सिर्फ OH- ही है, इसलिए OH- इस तरह से लिखेंगे। सो यू कैन सी दैट 1 + 1, राइट, इट इज 1 + 1, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इनके एक्सपोनेंट्स का एडिशन ही होता है, देन इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यही जो 2 नंबर मिले 1 + 1, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड SN2, राइट। सो SN2 के अंदर अब जो शॉर्ट नोट अगर आपको पूछी जाए, मैं आपको नोट्स तो शेयर करने ही वाला हूँ लेकिन मेरी जो नोट्स है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इन द फर्स्ट स्टेप, OH- अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड एंड देयर इज अ हेटरोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेटरोलिटिक बॉन्ड फिशन का मतलब क्या, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिविंग ग्रुप लेके चला जाए, मतलब यू कैन सी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl, बोथ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकन अप बाय Cl, so it is called Cl-, that is called heterolytic bond fission। So by heterolytic bond fission Cl is getting its own electrons and with the carbon's electrons, then it will converted into Cl-, that is called living group। Bond weakening and bond strength both step occur simultaneously in transition state। Transition state occurs for the millionth part of second। You can see the change of the hybridization sp3 sp2 sp3, again at the end you will get completely inverted product। This is only one step reaction, it occurs only in one step, and that is a slow step, it is a rate determining step,
द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट रेस टू वन न्यूक्लियोफाइल रेस टू वन एंड विल राइट हियर दैट इट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. Unimolecular nucleophilic substitution reaction, that is denoted by SN1. Bimolecular SN2. Unimolecular SN1. So ऐसे केस के अंदर क्या करना है कि पहले तो हम एक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करेंगे, दैट इज से सपोज OH माइनस, जैसे करते थे वैसे ही सेम टू सेम, राइट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर CH3 ग्रुप हियर, लाइक से सपोज इट इज अ C2H5 ग्रुप, इट मीन्स दैट CH2 CH3. Here it is a CH2, CH2, CH3. It is an N-propyl group. You can write here NPR. You can also write ET. You can also write ME. इनके नाम है methyl, ethyl and N-propyl. And उसके साथ join है BR with the lone pair electrons. अब कैसा हो रहा है कि SN2 के अंदर तो आपने देखा कि OH- ने front side से attack नहीं कर सकता था because lone pair electrons थे. बैक साइड से अटैक हो गया, बट अब क्या होगा देखते हैं. OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है? नो, जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अटैक नहीं कर सकता. OH माइनस के बैक साइड अटैक कर सकता है? आई विल से अगेन नो. रीजन, बिकॉज उसके इसके अंदर तो छोटे छोटे से ग्रुप थे, हाइड्रोजन था, फिर मिथाइल ग्रुप था, इथाइल ग्रुप था, ऐसे केस के अंदर बैक साइड से अटैक हो सकता है. अब देखिए यहां पे देखिए बड़े बड़े से ग्रुप है, यू कैन सी. सो इन बड़े से जो ग्रुप्स होते हैं उनका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है. स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग, जो स्पेस रोकते हैं उससे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं और कुछ नहीं. सो OH माइनस बैक साइड से ऐसे केस के अंदर जाए तो इनके भी खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, OH- के खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे केस के अंदर अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब बैक साइड से बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाया. अब क्या होगा, तो अब ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेप बिंग अ स्लो स्टेप एंड इट इज अ रिवर्सिबल ऑल्सो, यू कैन राइट इट इज अ स्लो स्टेप रिवर्सिबल ऑल्सो. एंड सो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेप, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन अकर्स. तो पहले केस के अंदर OH- का कोई फंक्शन नहीं है, OH- ने कार्बन को कह दिया भाई मेरे साथ तुमको बॉन्ड बनाना है तो पहले BR के साथ बॉन्ड तोड़ो. कार्बन इज ओके, कार्बन इज रेडी. सो कार्बन रेडी हो गया, BR को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. सो कार्बन का जो खुद का इलेक्ट्रॉन था, BR का खुद का इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की पैर BR ले जाएगा. अल्टीमेटली यहां पे भी हो जाएगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन. सो BR अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी लेके चला जाएगा. फर्स्ट स्टेप में ही ऐसा हो रहा है, मतलब कि BR जो है वो BR माइनस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, BR माइनस. तो लिविंग ग्रुप उस केस के अंदर स्टेप वन के अंदर एंड हो गया था, जिसके अंदर लिविंग ग्रुप Cl माइनस निकल गया था. यहां पर तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ही खत्म हो जाएगा. तो वी विल राइट हियर स्टेप नंबर 1. और स्टेप नंबर 1 के अंदर कैसा हो रहा है कि BR माइनस बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स तो लेके चला जा रहा है, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया, इसलिए कार्बन के ऊपर अब आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहां पे था ही, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तभी तो जाके इसका अट्रैक्शन हो रहा है. बट अब हो जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज. रीजन, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स BR ने ले लिए. सो कार्बन विल फॉलो द पॉजिटिव चार्ज. अब यहां पे ध्यान से देखिए आप, इनका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. यहां पे You can see the CH2, CH3, CH2, CH2, CH3 इस तरह से, right? अब कार्बन की कितनी ऑर्बिटल्स होती है, तो कार्बन की ऑर्बिटल्स अगर आप गिने, then कार्बन की ऑर्बिटल्स होती है, this is 1s2, 2s, 2px, 2py, 2pz, ठीक है? इनके कार्बन के एक ऑर्बिटल के साथ, मतलब कि s ऑर्बिटल के साथ CH3 जॉइंट है. So here we can write here that एक ऑर्बिटल और 2pz, तो 1, 2, 3, जो चौथा इलेक्ट्रॉन था कि जो BR के साथ ज्वाइन था, यहां पे देखिए BR के साथ इसका बॉन्डिंग था, तो BR तो अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद लेगा, तो BR हम हटा देंगे और अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी लेगा, ठीक है. एक ऑर्बिटल के साथ था CH3, वो एज इट इज है पार्शियल यहां पे बॉन्डिंग करके. सो बॉन्डिंग यहां पे शेयरिंग वाला हो रहा है,
देन CH2 CH2 CH3। यह CH2 CH3 पहले लिख देते हैं, उसके बाद प्रोपाइल ग्रुप NPR लिखता हूं मैं सिर्फ। समझ रहे बात को? फिर से एक बार, तो कार्बन की टोटल मिला के चार ऑर्बिटल्स, फोर ऑर्बिटल्स के अंदर एक के साथ था BR, राइट, BR, एक के साथ था CH3, एक के साथ था CH2 CH3। ये दो जो अप एरो वाले हैं वो तो कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में हो रहा है, एंड प्रोपाइल ग्रुप के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन एंड एन प्रोपाइल, और BR के साथ जो था वो BR खुद लेके चला गया, इसलिए BR का खुद का इलेक्ट्रॉन और ऊपर से कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। सो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं अपने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2pz ऑर्बिटल है वो खाली पड़ रही है। सो जो 2pz ऑर्बिटल है हम इस तरह से भी बता सकते हैं, दिस एम्प्टी ऑर्बिटल, सो एम्प्टी ऑर्बिटल इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कार्बोकैटायन, इट इज कार्बो कैटायन, और इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन। कार्बो कैशायन ना बोले, कार्बो कैटायन नाम है, कार्बो कैटायन, ओके, इट इज कार्बो कैटायन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन। कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब याद रखिए मैंने स्टार्टिंग किया है यहाँ पे डेक्स्ट्रो से, आंसर हमको क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। अब स्टेप नंबर टू यहां से स्टार्ट होगा, सो वी आर जस्ट गोइंग दिस फॉर दिस स्टेप नंबर। So in the case of the step number 2, हम यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले हम लिख लें कार्बन, then CH3 ग्रुप, CH2 CH3 ग्रुप, CH2 CH2 CH3 ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज। सो अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि भी सामने से अटैक करना है, बैक साइड से अटैक करना है, ठीक है। यहां पे तो पहले क्या इलेक्ट्रॉन्स थे जिसकी वजह से वो OH- मतलब कि न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पा रहा, अब ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं, तो OH माइनस अब तो दोनों साइड से अटैक कर सकता, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग है कि OH माइनस इस साइड से अटैक कर रहा है, इस साइड से नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा बोलूंगा सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, BR को कहेंगे सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, जहां पे BR था वहीं पे OH माइनस अटैक कर रहा है। सो कैसे प्रोडक्ट आएगा आप देखिए, OCH CH3 CH2 CH3 and CH2 CH2 CH3, ठीक है। सो यू कैन सी कि BR एंड की जगह पे सिर्फ OH आ गया है, देखिए बाकी के ग्रुप की पोजीशन जो है वो एज इट इज है, ठीक है। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है कि OH माइनस बैक साइड से भी तो अटैक करे, सो OH माइनस कैन ऑल्सो अटैक फ्रॉम द बैक साइड, 50-50% चांसेस रहते हैं, फर्स्ट इस साइड से, सेकंड इस साइड से, ओके। सो से सपोज इस साइड से अटैक करता, इस साइड से मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, सो ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से अगर अटैक करे देन आंसर क्या हो जाएगा, OH CH3 CH2 CH3, इन दैट केस द प्रोडक्ट इज अ फ्लिप्ड आउट, एंड फ्लिप्ड आउट मतलब क्या, इन्वर्जन हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं BR जहां से था वहां पे यहाँ OH आ गया, तो BR जहां पे था उसको पूरा ऑपोजिट करके OH यहाँ पे आ गया। सो अगर हमने स्टार्टिंग किया है डेक्स्ट्रो से, सो आपको डेक्स्ट्रो जैसा कौन लग रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज द डेक्स्ट्रो, ठीक है। सो 50% चांसेस रहते हैं कि डेक्स्ट्रो बने, तो 50% चांसेस ये भी तो रहता है कि डेक्स्ट्रो का ऑपोजिट आइसोमर मतलब कि लेवो बने, Racemic mixture, है ना, और ये पूरी जो प्रोसीजर है उसे हम कहेंगे racemization। सो रेसेमिक मिक्सचर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एट द एंड, इसका सिंबल मैं बता दूं मे बी डीएल और इट कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और माइनस। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर करें, देन रेट ऑफ रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट, इट इज द ओनली सबस्ट्रेट रेस टू वन, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर OH माइनस का कोई काम ही नहीं है, और फर्स्ट स्टेप
इज अ स्लो स्टेप एंड हेंस इट इज अ आरडीएस रेटेड अमाइनिंग स्टेप है। तो सबस्ट्रेट रेस टू वन मतलब कि के करके हम इसका कंपाउंड पूरा लिख देंगे, मतलब कार्बन बी आर एन पी आर ग्रुप एम ई एंड ई टी रेस टू वन, ई टी लिखा मैंने रेस टू वन। सो हेंस इट इज द ओनली वन, यहाँ पे वन ही है इसलिए हम कहेंगे इसे वन, एंड इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो इस तरह से कंप्लीट होता है SN1। एक बार फिर से फटाफट से इसका रिवीजन करवा दूं, मैं रिवाइज करवा दूं इसको। पहले हमने ये पूरा कंपाउंड लिया, OH माइनस जो है वो सामने से अटैक नहीं कर सकता बिकॉज हियर देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो OH माइनस कैन नॉट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड। सो OH माइनस ऑल्सो कैन नॉट अटैक फ्रॉम द बैक साइड बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप्स। स्टेरिक हिंड्रेड ग्रुप्स की वजह से ये OH माइनस बैक साइड से अटैक ना कर पाया, तो इसने क्या किया BR को पहले हटा दिया एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से BR फर्स्ट स्टेप के अंदर निकल गया, कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन OH माइनस कैन अटैक फ्रॉम द बोथ द साइड्स। इफ इट अटैक्स फ्रॉम द सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप देन द सेम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द डेक्स्ट्रो एंड डेक्स्ट्रो इज ऑब्टेन्ड एंड ऑल्सो देयर इज अ चांस ऑफ द OH minus can attack from the opposite side of leaving group and there is a 50% level. It is the inverted product, this is the retained product and 1 is to 1 chances, it means that 1 is to 1 proportion of the dextro and levo will be obtained and that is called racemic mixture. This whole process is called racemization ultimately. Rate of reaction depends on only and only substrate and that is why it is 1, it is called SN1. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन दैट यू कैन सी दैट कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड हेंस वी कैन राइट हियर दैट इट इज द sp3, राइट एंड देन 1, 2, 3 ये नहीं गिना जाएगा, मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज लगा, इसलिए हम क्या कहेंगे इट इज sp2। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज फॉलोड बाय 3 degree, 2 degree, 1 degree। आप कहेंगे सर इसके आगे वाला कंपाउंड इस तरह से अटैक नहीं कर पाया था, मैं कहता कि वो शायद करता शायद नहीं करता, बट ये तो 100% इसी तरह से जाएगा बिकॉज कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज है अगर वो तीन के साथ ज्वाइन है, यू कैन सी 1, 2 एंड 3 अगर तीनों के साथ ज्वाइन है देन इट इज कॉल्ड स्टेबल कार्बोकेटायन। तो जिसके इसके अंदर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है वहां पे SN1 फॉलो हो रहा है, ओके। इन स्टेप नंबर 2 देयर आर द बोथ साइड ऑफ द अटैक एंड फाइनली जो प्रोडक्ट हमको मिली, तो इस तरह से ये जो कार्बन है 1, 2, 3, 4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 ऑब्वियसली हियर आल्सो sp3। सो इस तरह से कंप्लीट होता है SN1 रिएक्शन। व्हिच कंपाउंड्स विल गिव द SN1, व्हिच कंपाउंड्स विल फॉलोड बाय SN2 इन के इंक्रीजिंग ऑर्डर इन के डिक्रीजिंग ऑर्डर हम किस तरह से फॉलो करें, तो बेसिक चीजें है अगर आप याद कर ले तो। सो फर्स्ट थिंग है द कंपाउंड मस्ट बी लेस हिंडर्ड, मतलब कि लेस क्राउडिंग होना चाहिए। अगर लेस क्राउडिंग है मतलब कि बहुत बड़े बड़े से ग्रुप्स नहीं है, जैसे फिनाइल नहीं है, प्रोपाइल नहीं है, ब्यूटाइल नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स जनरली SN2 को फॉलो करते हैं बिकॉज उसके इसके अंदर बैक साइड से अटैक हो पाता है, ठीक है। सेकेंड इफ देयर इज अ मोर क्राउडिंग एंड स्टेबल कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इज अ 3 degree, 2 degree, 1 degree, मतलब के जो कार्बोकेटायन अपना फॉर्म हो रहा है अगर वो तीन कार्बन के साथ ज्वाइन है, कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहा है वो दो कार्बन के साथ ज्वाइन है, कार्बोकेटायन जो अपना फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ एक कार्बन से साथ ज्वाइन है, तो ऐसे केस के अंदर इट विल फॉलो द SN1। रिमेंबर स्टेबल कार्बोकेटायन एंड मोर क्राउडिंग देन इट विल फॉलो द SN1। It can follow both SN1 as well as SN2, but it will strictly follow the SN2. याद रखिए अगर primary carbocation आपका form हो रहा है तो आप SN2 के लिए ही focus करिए, या फिर इनके order जो है 3 degree, 2 degree, 1 degree वो इस तरह से जाएंगे। This is the whole for the alkyl halides only. Okay? Alkyl halides के लिए, मतलब कि जहाँ पे कोई double bonds नहीं है या फिर कोई benzenic जैसे situation नहीं है, आप समझ सकते हैं, then it is only for the haloalkanes or alkyl halides only. एक example ले लेते हैं, जल्दी से समझ जाएंगे। The question is, arrange them
अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1। सो SN1 के ऑर्डर में लगाना है। जब भी आप SN1 का ऑर्डर लगाइए तब आप क्या करिए कि जो हेलोजन वाला पार्ट है उसको हटा दीजिए और उसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज डाल दीजिए, CH3 CH2 CH3 CH3, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड केस के अंदर CCH3H, पॉजिटिव चार्ज। एंड लास्ट इज CH3+। नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस इज द कार्बोकेटायन। ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज हमारे SN1 के फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, पहले Cl निकल रहा है, पहले Br निकल रहा है बाय हेटरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज तो आना ही है। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी। अब आप देखिए इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, 3। ओके, देन इट इज 3 डिग्री, इट इज 2 डिग्री, एंड इट इज प्राइमरी, और वी कैन से इट इज अ मिथाइल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या कहती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सो इस तरह से ये तो ऑलरेडी अरेंजमेंट में ही है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। तो SN1 ये फास्ट देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। आपको क्वेश्चंस आपने नॉमेनक्लेचर दिया है तो भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर से कंपाउंड बना देना और उसके बाद उसके आंसर्स दे देना। सो हियर सम पेयर्स आर गिवन, अगेन SN2 के ऑर्डर से उनको लगाना है। SN2 केस के अंदर आप देखिए यहाँ पे CH2Cl है, यहाँ पे भी Cl है। अब आपको ये देखना है कि ये जो Cl है वो अल्फा कार्बन, ये है कितने कार्बन के साथ ज्वाइन है, ये मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी, समझ सकते हो। एंड दिस इज द सेकेंडरी, बिकॉज ये है आपका अल्फा कार्बन, कितने कार्बन के साथ ज्वाइन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब सेकेंडरी। एंड SN2 का ऑर्डर क्या है, देन इट इज अ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। सो आपको क्या फॉलो करना है, इनके अंदर से आंसर क्या आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर IBrClF है तो आपको ऑर्डर याद रखना है कि बॉन्ड किसका जल्दी ब्रेक हो सकता है। सो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा वो जल्दी ब्रेक होगा, हो जाएगा, बिकॉज लॉन्गर इज द बॉन्ड वीकर इज द बॉन्ड। सो ऐसे केस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमेशा रहती है IBrClF। इसका रीजन है यहाँ पे आयोडीन बड़ी साइज का है, Br छोटी साइज का है, Cl और एंड फ्लोरीन तो और, तो इसका मतलब ये है बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक ये होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा। तो मतलब कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि SN2 कौन फास्टर देगा, दिस वन और दिस वन, तो ऑलवेज सिलेक्ट दैट इट इज आई, बिकॉज आई का बॉन्ड जल्दी वीक होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो नया कंपाउंड जल्दी फॉर्म होगा, मतलब कि रिएक्टिविटी इसकी फास्टर होगी। पहचानिए SN1 है या SN2। अब रिएक्शन देखें, पहले तो रिएक्शन के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, मतलब कि इनके कॉन्सेंट्रेशंस दिए हैं। जैसे example number 1, इट इज example number 2, लिख देता हूं मैं, इट इज example number 1 example number 2, ठीक है। मतलब ये पूरी बात डिफरेंट है, ये पूरी बात डिफरेंट है। अब कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन जा रहा है और उस रिएक्शन के मैंने यहां पे कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, बराबर ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। तो फर्स्ट इज सीरियल नंबर है, यहां पे कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, रिएक्शन सेम है और कॉन्सेंट्रेशन यहां पे अलग अलग किए हैं। अब देखिए कि ये SN1 है पूरा या SN2 है, इसके लिए आपको आंसर देना है। ओके, वी विल सॉल्व, डोंट वरी। हियर वी हैव टेकन सबस्ट्रेट, हियर वी हैव टेकन न्यूक्लियोफाइल, हियर वी हैव टेकन रेट। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम रखा, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, रेट देखा। तो ये सारी जो बात है उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि SN1 के अंदर हमने क्या लिखा था, SN2 के अंदर क्या लिखा। SN1 के अंदर हमने लिखा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ओनली, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल से देखे न्यूक्लियोफाइल रेज टू जीरो, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल, इट डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट। ओके, नाउ इन द केस ऑफ SN2, सो SN2 के अंदर सबस्ट्रेट रेज टू 1, न्यूक्लियोफाइल रेज टू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा इन द केस ऑफ SN2, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो भी चेंज होगा, बट इन द केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ,
इट मीन्स दैट अगर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, बट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। तो यही बात आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो चलो हम पहले ये देख लेते हैं। तो देखो इसके लिए पहले तो दोनों में जहां पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है उसको पकड़ो, देन फर्स्ट वन इट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड। अब इससे सेकेंड नंबर, इससे थर्ड नंबर हम कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट से अगर आप देखें तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तब रेट ऑफ रिएक्शन आपको इतना मिल रहा है 1.6 × 10⁻²। अब क्या कर रहे हैं हम, अब ये कर रहा है कि सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज नहीं किया बट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन आई एम चेंजिंग। सो बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है इसके कंपैरिजन में? इसको देखिए ये सेम है ना, सेम नहीं है, ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब फर्स्ट के कंपैरिजन में थर्ड लेते हैं, देन पॉइंट वन, देन इट इज पॉइंट टू। इसको हमने चेंज किया, इसको हमने चेंज किया ना, इसको चेंज नहीं किया, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ फर्स्ट के कंपैरिजन में थर्ड? देखो यस इट इज चेंज। इससे इसको कंपेयर नहीं करना है, इसको फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करना है, सेकेंड एंड थर्ड को नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड को, बिकॉज फर्स्ट को हमने स्टैंडर्ड माना। क्यों स्टैंडर्ड माना? बिकॉज इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम थे। देन यू कैन सी दैट फर्स्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, मतलब ये चेंज हुआ, देन दिस इज ऑल्सो चेंज। अगर ये चेंज हो तो ये भी चेंज होता है, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे सबस्ट्रेट रेस टू वन, न्यूक्लियोफाइल रेस टू वन। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है? SN2। अब आप इसके लिए सोचिए। तो क्या होगा आंसर? तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले तो दिस इज द स्टैंडर्ड वन, बिकॉज ये पॉइंट वन है, ये इतना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है तो फर्स्ट पॉइंट वन से पॉइंट टू चेंज हुआ तो क्या रेट चेंज हुआ? हो गई यस, देन इट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट रेस टू वन। अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, सो पॉइंट वन के कंपेरिजन में इसको हमने चेंज किया तो क्या यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड कंपेयर करें ये चेंज हुआ? नो इट इज नॉट चेंज। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वन होगा, then we will keep here the reaction is a SN1। okay, so ambient nucleophiles, it means that which are having two nucleophilic sites, you can see ke example liya humne KCN and AGCN ka, aur reaction ke andar question bhi diya hua hai, predict the products। so फर्स्ट केस के अंदर अगर हम KCN ले रहे हैं या फिर NACN ले रहे हैं, अब बॉन्ड का ब्रेकिंग देखिए, K प्लस बन रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो कार्बन को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग करना आया तो CH3 के साथ ये C ज्वाइंट होगा, मतलब कि इथेन नाइट्राइल बनेगा। समझिए बराबर ध्यान से, अगर KCN लिया या फिर NACN लिया सो K प्लस बनेगा एंड जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कार्बन को मिल जाएगा। अगर कार्बन को नेगेटिव चार्ज मिलता है देन इट विल अटैक ऑन दिस, तो इथेन नाइट्राइल इज द प्रोडक्ट। सेकेंड केस के अंदर अगर अपने AgCN ले रहे हैं तो AgCN क्या कर देगा, ये जो Ag प्लस बनेगा तो CN के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन दे देगा। नाउ दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इस केस के अंदर कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो ऐसे केस के अंदर नाइट्रोजन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा C के साथ, so you will get the product that is a CH3NC। दोनों स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट है और कंपाउंड्स भी डिफरेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे CN मिल रहा है, यहाँ पे NC मिल रहा है। सो whenever यू जस्ट डू द रिएक्शन विद द AgCN यू विल राइट द आंसर isonitrile, इट मीन्स दैट देर आर टू कार्बन्स, सो इट इज कॉल्ड इथेन isonitrile एंड देर आर टू कार्बन्स बट इट इज अ CN सो इट इज इथेन नाइट्राइल। अब इतने सारे SN1 एंड SN2 आपने सॉल्व की है, मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, समझिए।
वाटर के साथ इसका रिएक्शन करना, वाटर के अंदर से निकलेगा एच प्लस एंड ओ एच माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मैं हिंट भी देता हूं कि ओ एच माइनस का अटैक हो रहा है, प्रेडिक्ट द आंसर। सो आंसर आ गया होगा, आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे, बस सिर्फ क्या करना है हमको, सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है, और क्या, OH जो है वो Cl को जाके रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे हम लिख देंगे OH, राइट, आपका आंसर आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड फिनॉल, मतलब क्लोरोबेंजीन, सिर्फ फिनॉल, सिर्फ OH माइनस ऐड करके। आंसर गलत है, आंसर गलत है, ये नहीं बनेगा, दैट इज द हेलोएरिन, और हेलोएरिन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी नहीं देते हैं। आगे जो हमने एग्जांपल कंसीडर किए उसके अंदर हेलो अल्केन्स लिया था, तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों हेलो एरिन्स जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, वो देखते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस एनएसआर, जिसके अंदर हम कंपैरिजन लेते हैं कि हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स, ऐसा क्यों, जो भी reasons है मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करूंगा पूरा, उसके अंदर जो फर्स्ट रीजन हो रहा है that is the partial double bond or it is also known as a resonance. So जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हेलोएरिन, एंड हेलोअल्केन्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं then it is a CH3Cl, right? अब क्लोरोबेंजीन हम एग्जांपल के फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसके अंदर रेजोनेंस, अब रेजोनेंस बताने पड़ेंगे आपको, मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताया है आपको, ठीक है। सो रेजोनेंस मैं यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ करना सिखा देता हूं, टोटल मिला के 5 रिंग्स ड्रॉ करनी है आपको, हेक्सागन, दैट इज द बेंजीन रिंग, एंड ये जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर हम क्लोरोबेंजीन अगर लिखे तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर सेम होता है ऐसे, ठीक है, जैसे कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, सबके बीच में ये साइन लगानी होती है, दिस साइन इज फॉर रेजोनेंस अल्टीमेटली। सो ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की साइड जाएंगे, यहां पे हो जाएंगे डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहां पे बॉन्ड कर देता हूं देन इट इज अ 5, तो कार्बन की बैलेंस इस कार्बन की बैलेंस 5 ना हो, इसलिए क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पे शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं देन 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, दैट इज रॉन्ग, कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, सो आई विल राइट हियर नेगेटिव चार्ज, सो 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट इज अ गोइंग इन साइड, मतलब कि अगर यहाँ पे अंदर की साइड बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर की साइड आ जाएंगे एंड नेगेटिव चार्ज, पैरा के ऊपर पैरा पोजिशन एंड पैरा पोजिशन से अंदर जाएंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो Cl है उसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस साइड बताया है सेम ही है, एंड जैसे ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे इस तरह से, पार्शियल डबल बॉन्ड तो है ही, एंड लास्ट में क्या होगा कि ये जैसे अंदर जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे, ओके, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स अब अंदर की साइड जाएंगे, जैसे ही अंदर की साइड जाएंगे सीएल अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो वापस ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो ऐसा कुछ CH3Cl के अंदर तो होगा नहीं, सीएल यहाँ पे एच यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो हेलो एल्केन्स के अंदर, हेलो एल्केन्स के अंदर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, CCl इज अ सिंगल बॉन्ड, लेकिन जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं 3 इक्वल सिंगल स्ट्रक्चर के साथ, अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो इस तरह से लिख जाएगा कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, सो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से रिंग के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज घूमेगा लेकिन बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और NSR रिएक्शन के अंदर पुराना बॉन्ड टूटेगा, मतलब CCl बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाए, इसलिए हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स, एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन, गोइंग फॉर द सेकंड रीजन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कंपेयर करते हैं देन यू कैन सी कि ये 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है, एंड इफ वी कंसिडर दैट CCl बॉन्ड,
राइट, देन यहाँ पे आप पार्शियल डबल बॉन्ड तो देख ही रहे हैं, डबल बॉन्ड की वजह से ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जब भी बात करते हैं, देन sp2 स्ट्रॉन्गर होता है sp3 से, तो भी पुराना बॉन्ड तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। जब भी पुराना बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है, सेकेंड रीजन इज द हाइब्रिडाइजेशन। द नेक्स्ट रीजन इज थर्ड रीजन एंड दैट इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतना बॉन्ड वीकर होता है। जब भी हम कंपेयर करते हैं क्लोरोबेंजीन को, एंड क्लोरोबेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसकी वजह से छोटी होती है। हमेशा याद रखिए sp3 sp2 sp, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मिल रही है हमको 169 पिकोमीटर, whereas in the case of this it is 177 picometer, so this bond length is greater, so ye bond jaldi break ho jayega, to isliye iski reactivity zyada ho jayegi and iski reactivity kam hogi. Fourth reason is very best reason ever, because ye bahut hi strong reason hai, pi electron cloud. So, benzene ring जब भी आप कंपेयर करते हैं तब ये प्लैनर स्ट्रक्चर होता है। प्लैनर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इस तरह से प्लैनर स्ट्रक्चर, एंड प्लैनर स्ट्रक्चर की ऊपर की साइड इस तरह है, नीचे की साइड या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है। एंड इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल आते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। सो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, तो फिर ये सीएल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता बिकॉज यहाँ पर रिपल्शन लगता है, तो ये जो अटैक है दैट इज प्रोहिबिटेड, बॉन्ड जो है वो बन नहीं सकता नया, पुराना बॉन्ड जा नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बैक साइड अटैक हो सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज बना के अटैक हो सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द नेक्स्ट रीजन, द फिफ्थ रीजन, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। SN1 के अंदर हम क्या पढ़े? SN1 के अंदर CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, पहले Br चला जाता है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा देता है। मान लो इस तरह से यहां पे हो रहा है, जैसे क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कर रहा है, तो क्लोरोबेंजीन जैसे रिएक्शन करेगा तो इस तरह से हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन चला गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, इसे हम कहते हैं फिनाइल कैटायन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल है। सो अनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन रूल्ड आउट, इट रूल्स आउट द SN1। SN1 तो यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकती हेलो अरेंज के अंदर, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिनाइल रिंग के ऊपर आ जाए तो कंपाउंड काफी अनस्टेबल हो जाता है। एंड द लास्ट रीजन दैट इज सिक्स्थ रीजन, so very simple reason, that is a percentage of S character. Percentage of S character के अंदर हमको समझना है कि hybridization का ही part है, जैसे sp3 consider करते हैं, तो S character कितना है, तो total मिला के 1 + 3 = 4, तो इसके अंदर 1/4 characteristic है, तो 25% S character रहता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही अगर sp2 के अंदर consider करें तो यहाँ पे 1/3 × 100 कंसिडर करेंगे, ऑलमोस्ट 33.33% आएंगे। अगर एस कैरेक्टर लेस है, मतलब के 25% है, तो बॉन्ड जल्दी वीक होगा, मतलब कि बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी ब्रेक हो सकेगा, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बता रहा है। तो दीज आर द सिक्स रीजंस की जिसकी वजह से हैलोजन्स आर लेस रिएक्टिव देन द हैलोएल्केन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So, ये थे सिक्स रीजंस की जिसकी वजह से हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव द प्रोडक्ट, बट ऐसा भी नहीं है कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं देगा। अगर आप क्लोरोबेंजीन देते हैं एंड मुझे तो फिनॉल चाहिए ही चाहिए उसके अंदर से, तो हो सकता है मिल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, फिनॉल भी हमको मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा देखिए, तो हमें लेना पड़ेगा 6-8% NaOH concentrated solution। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ ये सब कुछ ऐड करेंगे, दैट इज अ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
इतना देंगे और उसके बाद लास्ट में एसिडिक कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन एसिडिक कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप क्लोरोबेंजीन के अंदर से फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस। सो अल्टीमेटली डाउ प्रोसेस इज द प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेंगे 6 to 8% NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एसिडिक कंडीशन इन द लास्ट, देन यू विल गेट द फिनॉल। व्हाट विल हैपन के अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम इंक्रीज करते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर तो फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा। सो सिंपल सी बात है कि हम डाउ प्रोसेस लेते हैं पहले। तो डाउ प्रोसेस अभी अभी हमने जो करी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि NaOH वी हैव टेकन एंड टेम्परेचर यू कैन सी इट इज़ जस्ट 623 केल्विन टेम्परेचर, राइट। अब ये जो 623 केल्विन टेम्परेचर लिया बिकॉज यहाँ पे एक भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, यू कैन सी सिंपल सभी हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं, एक NO2 ग्रुप इंसर्ट कर देते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो ये जो NO2 ग्रुप है क्या करेगा, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। NO2 ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा NaOH के अंदर से जो OH- निकलेगा दैट विल अटैक रैपिडली और ये बेंजीन रिंग खुद भी ट्राई कर रही है कि OH- आए और बैठे और इस Cl को हटाए। तो Cl इज नॉट सो मच डोनेटिंग ग्रुप बट OH जैसे ही यहाँ पे आएगा OH बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, NO2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। सो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होना इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन ईजी कंप्लीट हो रहा है, फिजिबल हो रहा है। सो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट केस के अंदर आप देखें कि यहाँ पे मैंने दो NO2 ग्रुप लिए, मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा दोनों के ऊपर NO2 ग्रुप्स हैं। सो अब क्या होगा, तो टेम्परेचर और डिक्रीज हो रहा है। ऊपर आप टेम्परेचर देखिए, इट इज़ अ 623, सबसे पहले 623, उसके बाद आप देखिए 443, एंड जैसे ही और एक NO2 एंटर हो गया तो क्या हुआ, तो टेम्परेचर और डिक्रीज हुआ, मतलब कि रिएक्शन और फिजिबल हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज दो दो NO2 ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे तो OH- Cl को डिस्प्लेस कर देगा, जल्दी से बैठ जाएगा। एंड लास्ट केस के अंदर तो तीन NO2 ग्रुप्स हैं, सो NaOH सिर्फ जस्ट वार्मिंग यू विल गेट पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के अंदर एक भी एसिडिक ग्रुप नहीं है, फिर भी उसे पिक्रिक एसिड कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थ्री NO2 ग्रुप्स। ये जो NO2 ग्रुप्स हैं इतने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है कि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से O- एंड H+ रिलीज होता है। सो OH बॉन्ड इज अ एसिडिक बॉन्ड हियर। So it was the SN1, SN2, and then after haloirenes are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction as compared to haloalkanes, and then after Dow process, and Dow process के बाद हमने देखा कि NO2 group की presence की वजह से किस तरह से reaction के अंदर temperature decrease होता है। So ये जो सारे topics है अच्छी तरह से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझिए, ठीक है। I hope you might have enjoyed my lecture. So How was the lecture? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।